কounseling students... center এর জমা পানিতে ডুবে তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে উত্তাল ভারতের পশ্চিম দিল্লি শনিবার সন্ধ্যায় প্রবল বর্ষণে ওই basement পানি ঢুকে যায় এতে ঘটে হতহথের ঘটনা তাদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ছুটে আসেন সহপাঠীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ রাজেন্দ্র নগর এলাকায় রাতভর শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল এই ঘটনায় দিল্লির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ সাধারণ শিক্ষার্থীদের মৃত্যু स्थानीय प्रशासन प्रति खूब जानिए छुड़े दें प्रश्न न ही एम की मेयर आई है कोई अधिकारी नहीं आया है इन बच्चों का अपने हाल पे छोड़ा हुआ है मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है ये सीधे सीधे मर्डर पता नहीं चल रहा हमें एक्सपेक्टेशन अब लग रहा है डेथ और हो सकता है क्यूँकी उस टाइम पे यहाँ पे बैरिगेडिंग कर रखी थी जब रेस्क्यू चल रहा था एनडीआरएफ का तो कोई भी देख कोई भी वहाँ जा नहीं सकता था तो किसी को मतलब कुछ नहीं पता करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं जिनका अभी तो कोई पता नहीं है और सबसे बड़ी चीज उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है रावास का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है जो भी हेड है उसने आके अभी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है इसके रिगार्डिंग की क्या करना है मैं क्या स्टेप लेना है एक घटना के मर्मान्तिक उल्लेख तदंत करद गति विषय पदक्षेप लश्वास दिए छेली ओबेरॅय তবে এ ঘটনায় সরাসরি আম আদমি সরকারের দিকে আঙ্গুল তুলেছে বিজেপি স্থানীয় প্রশাসনের অবহেলাকে দুষছেন দিল্লির বিজেপি প্রধান বীরেন্দ্র সচদেব ও নয়াদিল্লির সাংসদ বাসুরি স্বরাজ बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसल्टिंग करवा दीजिए नाले की सफाई करवा दीजिए आपके पीछे आप ही देख लीजिए अभी भी ढाई फुट पानी सड़क पर है यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण इस মৃত্যুকে মৃত্যু কে পুরী জিম্মদার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জী শিক্ষার্থী মৃত্যুর রহস্যের জট খুলতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান রাজ্য সরকারের রাজস্ব ও পানি বোর্ড মন্ত্রী অতসী সিং দিল্লি সরকার রাইহান কবির শুভ্র নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি